सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ऐसा लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी क्या, क्योंकि मौसम पूरा ठंडा ठंडा हो गया। अभी वक्त हो रहा है 6 बज रहे, 6:45 हो रहे, और मौसम तो ऐसा है कि बारिश आती है कि क्या आती है। तो मैं बोला चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करके आते, ब्लॉग बना के आते। और मैं अकेला ही घूमता हूँ भाई ज़्यादा, मुझे मतलब बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछे कि भैया ग्रुप का है आपका ऐसा वैसा नहीं क्या, तो कैसा है ना भाई, मैं रहता हूँ साकोली में, ठीक है। और मेरे जो दोस्त लोग हैं जो राइड करते हैं साथ में, जिनके साथ मैं राइड करता हूँ या फिर कैंपिंग राइड वगैरह करता हूँ, वो सब दोस्त कोई भंडारा में रहता है, कोई नागपुर में रहता है, कोई मोहदा में रहता है, ठीक है। तो और कैसा, सब अपने अपने काम में बिजी रहते भाई। अभी कैसा, अपनी जॉब छोड़ के मेरे लिए तो वीडियो बनाने तो नहीं आएंगे मेरे साथ में वो, ऑब्वियसली, ठीक है। और मैं अकेले ही घूमता हूँ, अगर मुझे वीडियोस वगैरह बनाने हैं गांव के आसपास वगैरह मेरे, तो मैं अकेले ही घूमता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास वक्त नहीं है, कोई वक्त दे नहीं सकता अपने को, या फिर अपन किसी को उनकी कीमती चीज़ मांग नहीं सकते, ठीक है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है। तो अपन किसी को अपना टाइम किसी को उनका टाइम अपन मांग नहीं सकते कि भैया अपना टाइम दो करके। अभी कैसा है, वीडियो भी देखने वालों को कैसा है, थोड़ा सा कैची चाहिए, तो भैया कैची के लिए तो इधर कुछ है नहीं, मतलब कैची व्यू वगैरह नहीं क्या, थोड़ा सा वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या, ऐसा कुछ चाहिए रहता है। तो अभी अगर ये पसंद आएगा तो अच्छा हो जाएगा। कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है। बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है भाई। आएगा ऊपर जाएंगे और शेड वेड लगा दिए थोड़ा सा यार उधर। ऐसा है भाई, पूरा शेड वगैरह बना है, महादेव जी की मूर्ति, हनुमान जी है, महादेव जी है, यहाँ पे एकदम सही लग रहा है। और ये पूरा आगे पूरे खेत वगैरह है, और लेकिन यहाँ पे अभी कैसा है, अभी बादल वगैरह है ना, उसकी वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से सनसेट दिखता है एकदम खतरनाक। अब ये बादल वगैरह होने की वजह से ना दिख नहीं रहा। और ये पूरा देखो तालाब, कितना बड़ा तालाब है यार ये, हनुमान देखो कितना बड़ा तालाब है यार ये शिवनिवान का तालाब है, एकदम खतरनाक। और वो उधर पूरा, उसके आगे पूरा जंगल है, वो ऐसा है भाई। क्या करेंगे अभी, ये कैसा साकोली के पास में है 8-9 किलोमीटर, तो वो अच्छा हो जाता है आने के लिए, एक शॉर्ट राइड हो जाती है अपनी, एक व्लॉग बन जाता है, ऐसा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे लोग भी बहुत कम आते हैं, मतलब अगर कुछ यात्रा वगैरह रही तभी बहुत ज़्यादा लोग आते, या फिर मंडे के वक्त, मंडे के दिन ज़्यादा लोग आते, संडे मंडे, ठीक है, बाकी के दिन तो उतने लोग रहते नहीं हैं। तो ऐसा है पास में। और कैसा, अभी मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है, पूरे बादल वादल आ गए, ऐसा लग रहा बारिश आ जाएगी क्या, तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा बन के रखा है, तो ऐसे मौसम में राइड करने में मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है भाई, आगे भी चलेंगे अपन नीचे, ठीक है, नीचे चलेंगे। मैं उधर, वो कैसा है, क्या बोलते हैं उन लोगों को, जलाना वलाना नहीं क्या हो रहा है, वो है वहाँ पे, उसके लिए तो चलते अपन आगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे चलेंगे अपन। ऐसा है भाई,
पास में हमारे महादेव जी का मंदिर। ऐसा है भाई, अपने पास में महादेव जी का मंदिर। रुको 2 मिनट। ठीक है, अच्छा नहीं लगा, बटन नहीं लगाया था वैसे तो, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। नहीं कैसा, अभी शूट कर रहा हूँ ना तो। चलो छोड़ो, जाने दो। ठीक है, अपन उधर चलेंगे अभी, फिर उधर से आने के बाद गाड़ी रहने देते इधर ही, उधर चलेंगे, शूज वूज पहन लेता मैं, फिर उधर आगे चलेंगे तो बातें करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे साकुल के बाद। एक छोटा सा ब्लॉग बन जाता है अपना, और मुझे पता नहीं यार 6-7 मिनट का बनेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलो फिर चलते। ठीक है, क्योंकि ये जो तालाब का पानी वानी है ना, मतलब ये आसपास के जितने भी गांव है ना, सबको जाता है ना भाई, इधर से ही पानी, वाटर सप्लाई वगैरह इधर से ही होता है। और यहाँ पे मतलब साकोली का, साकोली तालुका तहसील का सबसे बड़ा फिश फार्मिंग इधर ही होता है, शिवनी बांध में। आगे चल के है एक फिश फार्मिंग का, गवर्नमेंट का, वहाँ पे होती है फिश फार्मिंग सबसे ज़्यादा। और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फिश फार्मिंग होती है गोठन गांव में, क्योंकि वो तालाब सबसे बड़ा है वहाँ पे। ये देखो भाई, ऐसा है, ये बहुत दूर तक के, बहुत आगे तक के, इधर इधर स्विमिंग के लिए भी आते हैं लोग सुबह ये तालाब में, आगे साइड में आते हैं उधर साइड में। ये सही है। चलो भाई, अपना वक्त हो गया चलने का, अभी डॉगी, वो आपने नहीं सुनते डॉगीज। छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसा है, एक छोटा सा मंदिर अपने साकोली के पास में, साकोली से 8-9 किलोमीटर दूर। अभी उधर साइड तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो साइड तो पहले ही मैं मतलब बहुत बार कवर किया है मैंने वीडियोस में अपने। अभी जाएंगे साकोली रिटर्न। क्या बात है, तेरा मुखड़ा चांदा टुकड़ा। ओ ऐसे देख रही है, बाप रे बाप। उसके पापा आगे बैठे हैं, मम्मी पीछे बैठी है और मेरे तरफ देख रही है। तेरा मुखड़ा चांद टुकड़ा, तेरी अन्नत तेरे विष्णु। क्या बात है, क्या बात है। कान मर जानी अब तक, जिसने देखे शुद्ध लाची, पागल विष्णु का इसे जानो। क्या बात है, ऐसा सीन है भाई। मैं सच बताऊं तो मेरी पूरी बोरिंग लाइफ है यार, मतलब ना मैं अकेले में ही खुश हूँ, ठीक है, और मैं बहुत बोर इंसान हूँ, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, और मुझे उसी में अच्छा लगता है।
दोस्त 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 ये आ गए और दोस्त की शॉप पे। सो पीपल, अभी वक्त हो रहा है 8:15 हो रहा है यार, और मैं घर जा रहा हूँ। अभी दोस्त के साथ बैठा था, अभी घर जा रहा हूँ। बोला चलो व्लॉग एंड वीडियो एंड कर देते अपन यहीं पे, ठीक है? फिर चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी सेफ बी हैप्पी, एंड इट्स मी स्वैग मोटो ब्लॉगर साइनिंग ऑफ, पीस आउट।